दोस्तों ये मेरा स्लाइडिंग मॉस्किटो नेट बनके तैयार है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ है। दोस्तों आप मच्छर मक्खी और छिपकली से बिल्कुल रहेंगे सेफ, अगर इस तरह का जाली आप लगा लेते हैं तो। आपको आप भी परेशान है मच्छर मक्खी से, तो आप ये जाली बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ है दोस्तों, और एकदम इजी टू ऑपरेट है दोस्तों। देख सकते हैं कितना हल्के हाथ से चल रहा है। तो स्वागत है मुकेश टेक्निकल स्टील वर्क में दोस्तों। तो चलिए आज हम जाली बनाने सीखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका हम जाली बनाने का टोटल जानकारी देंगे दोस्तों, और क्या रेट पड़ेगा, क्या भाव होने वाला है दोस्तों, कैसे स्क्वायर फुट निकलता है, और कितना पड़ेगा एक विंडो में, अगर हम लगा रहे तो एक विंडो में क्या कॉस्ट आएगा, टोटल जानकारी देने वाले दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हम शटर बना रहे हैं अभी, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से शटर मेरा बन चुका है दोनों। ये देखिए एक यहाँ पे है और एक अभी बना लिए हैं, तो दोनों शटर मेरा बन चुका है दोस्तों। अब इसमें हम जाली लगाते हैं, और जाली लगाने का दोस्तों हम जो है ना वो एल्युमिनियम का जाली लगाएंगे। इसमें होता है क्या, स्टील का भी जाली लगा सकते हैं, या फाइबर का भी जाली आता है और एल्युमिनियम का भी आता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम इसमें एल्युमिनियम का जाली लगाने वाले हैं, जो कि उसमें क्या जंग कभी नहीं लगता है, उसमें धूल पकड़ता है, बट उसमें क्या थोड़ा सा झाड़ दीजिएगा तो टोटल झड़ जाएगा उसमें कोई दिक्कत। और एल्युमिनियम स्टील में क्या, तो दोस्तों अगर 202 ग्रेड का आपका आ गया तो वो जंग लगने का संभावना रहता है, 304 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 316 हो तो उससे भी बेस्ट है, बट बहुत कम अवेलेबल होने के कारण हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम का, वो कभी जंग ही नहीं लगता है, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मेरा टू ट्रैक का जाली हम बना रहे हैं दोस्तों, तो टू ट्रैक का अभी हम फ्रेम बना ले रहे हैं पहले इसको, इसके बाद शटर भी बन चुका है, अब जाली लगाएंगे उसको, इसके बाद सारा कुछ बना के इसके बाद इंस्टॉल करने जाएंगे, टोटल वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, नहीं तो एक मिस्टेक कर जाएंगे आप, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए हम आपको और कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरा दोस्तों फ्रेम बन के अब तैयार हो चुका है टू ट्रैक का, और ये एनोडाइज के साथ है दोस्तों, कलर में बहुत ही बेहतरीन लुक आता है, देखिए एनोडाइज जो है ना। और इसमें दोस्तों एक स्लाइडिंग विंडो लगा है, इसमें हम सिर्फ दोनों शटर जो है ना जाली ही लगाएंगे, कि उसमें ग्लास अलग विंडो बना हुआ है और ये सिर्फ जाली का विंडो बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। चलिए अब लगेगा उस समय देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन लुक आने वाला है दोस्तों। तो अभी हम पहले जाली बना लेते हैं, इसके बाद आपको साइड पे ले चलते हैं, वहाँ भी दिखाएंगे किस तरह का वो पहले से विंडो लगा हुआ है और ये अंदर लगाएंगे ये चीज़ है। तो चलिए फटाफट हम जाली को कटिंग करते हैं और लगाते हैं। तो देखिए हम जाली बना रहे हैं, अब बनाना दोस्तों बिल्कुल आसान है, बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है दोस्तों। एल्युमिनियम जाली में एक चीज़ है, बहुत हार्ड नहीं होता, इसके वजह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका फिनिशिंग आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए मेरा एक जाली तैयार हो रहा है, फटाफट इसको हम फिटिंग करते हैं। और ये दोस्तों आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये जैसे आपको 2-2.5 इंच जगह चाहिए टू ट्रैक लगाने के लिए अंदर में, या तो बाहर लगाने तो बाहर 2.5 इंच चाहिए जगह, अगर अंदर लगाना है तो अंदर चाहिए 2.5 इंच जगह, 2.5 इंच में आपका लग जाएगा। अगर इसको हम कॉस्ट का बात करें दोस्तों, तो ये आपको कलर एनोडाइज के साथ टू ट्रैक में हम अगर नेट लगाते हैं तो लगभग 300 रुपये से लेके 320 रुपये तक में मेरा कंप्लीट हो जाता है। वैसे हल्का मटेरियल लीजिएगा तो 250 में भी बन जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा हेवी मटेरियल अगर हम डालते हैं तो 300 से लेके 320 रुपये तक एनोडाइज कलर के साथ टू ट्रैक में मेरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ही बहुत ज़्यादा भाव नहीं लगता है दोस्तों, बाकी आपके मार्केट के हिसाब से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कितना ट्रांसपोर्टेशन लगता है, क्या चार्ज लगता है। बाकी हमारे यहाँ झारखंड में धनबाद में भी हम हैं, तो ये 300 रुपये तक में बन जाता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लुक के साथ अभी आपको दिखाएंगे और कितना अच्छा ऑपरेट होता है दोस्तों। इसको चलाते हैं ना एकदम हल्के हाथ से चलेगा, इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है दोस्तों, एकदम हल्का जाली आता है इसलिए कोई जीरो मेंटेनेंस है इसमें। तो देखिए अभी हम जाली बना लेते हैं फटाफट इसको। देखिए मेरा एक जाली अभी तैयार होने वाला है ये दोस्तों,
देख सकते हैं दोस्तों, अब मेरा जाली कितना बढ़िया से टाइट हो चुका है। इस तरह से अगर थोड़ा मेहनत करके बिठा देते तो बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है और आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा से काम हुआ है, देख सकते हैं ना। तो इस तरह से आप भी काम करवा रहे तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जाली कितना टाइट है। मेरा बहुत ढीला रहेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा आपको यूज करने में, थोड़ा टाइट रहता है। और एल्युमिनियम का दोस्तों अच्छे से अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है। एल्युमिनियम जाली में एक चीज़ है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लुक भी बहुत बढ़िया आता है इसमें, देख सकते हैं। अभी फिटिंग करके कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया लुक आता है। देख सकते हैं ना दोस्तों, जाली एकदम टाइट है। छोटा शटर है फिर भी टाइट है दोस्तों, बड़ा रहता है तो और टाइट होता है। छोटा शटर फिर भी टाइट होता है। देखिए मेरा दोस्तों, ये विंडो बन के मेरा तैयार है। इसे अभी समझिए 4x4 का है ना, देख सकते हैं कितना इजी ऑपरेट हो रहा है दोस्तों। दोनों साइड लॉक दिया गया है इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर 4x4 का है दोस्तों तो 16 स्क्वायर फुट होगा। 16 स्क्वायर फुट के आप इसको गुना कर दीजिए 16 से 300 का रेट से बन रहा है या 250 का रेट से बन रहा है। 250 का रेट से बन रहा है तो 4000 होगा, और अगर 300 का रेट से बन रहा है तो 4800 रुपये होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका कॉस्ट निकल जाएगा, जो भी स्क्वायर फुट हो रहा है उस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपना रेट को निकाल सकते हैं। 4x4 है तो 16 फुट होगा, 16 × 250 कर दे। आपके दुकान वाले से जिस तरह डील हुआ 250-300 रुपये के हिसाब से, उस हिसाब से आपको पे करना होगा बहुत ही आसान तरीके से। उसमें कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता स्क्वायर फुट में, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उसमें। तो देख सकते हैं हम दोस्तों फिट कर रहे हैं अभी इसको। देखिए जाली हम अंदर से फिट किए, बाहर से हमारा स्लाइडिंग विंडो ही है, लेकिन वो डुम्बाल स्लाइडिंग विंडो बहुत हेवी क्वालिटी का लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसको हम बताएंगे अभी, वो भी विंडो खोल के बंद करके। तो वो बाहर लगाया गया है और जाली हम अंदर रूम के अंदर लगाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं बाहर भी यही सेम कलर का लगा हुआ है विंडो, और अंदर भी सेम कलर का लगा हुआ है, सिर्फ बाहर ग्लास है और अंदर जाली है दोस्तों। ये अंदर नॉर्मल सेक्शन का बना हुआ है, बाहर डुम्बाल सेक्शन का बना हुआ है। तो अभी वो भी हम चला के दिखाएंगे कैसा चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। ये मेरा जाली अब अंदर से फिटिंग होने को है। थोड़ा बहुत अब स्क्रू मार लेते हैं, नीचे का हो चुका है, साहुल करके ऊपर वाला स्क्रू मार लेते हैं। इसके बाद आपको चला के दिखाएंगे बाहर का डुमाल विंडो भी और अंदर से ये किस तरह फिटिंग हुआ है ना। तो चलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए दोस्तों। चलिए अब यहाँ स्क्रू मार लेते हैं फटाफट है। चलिए दोस्तों, तो अब मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, जाली लग गया, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ। देखिए अब जाली हम यहाँ से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर वो क्या होता है, बेरिंग अगर मेरा दीवाल इधर उधर है, थोड़ा क्रॉस है, साउल में नहीं है मेरा दीवाल, तो उसके लिए शटर थोड़ा अप डाउन होता है। तो यहाँ बेरिंग से हम एडजस्टमेंट करने का दिया रहता है, तो उस चीज़ को एडजस्ट कर ले रहे हैं हम, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेट हो सके। देख सकते हैं अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, है ना। देखिए जाली लग चुका है, अब देखिए हमारा वो डुमाल विंडो पीछे के साइड में दोस्तों। देखिए इसको हम खोले, थोड़ा एडजस्टमेंट में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को देख रहे हैं। हाँ बस ये हो चुका है। खिड़कियाँ बंद कर दे, खिड़कियाँ। चलिए देखिए ये दोस्तों बाहर का विंडो हम बंद किए, अब ये जाली का कोई काम नहीं। अब बाहर का विंडो जब खोलना है तो फिर हम जाली बंद कर देंगे ना।